चुके हैं। मंदिरों की, सत्संग भवनों की ऐसी फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर हजारों बेड लगे हुए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स उनके बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने जामा मस्जिद या उस तरीके की बड़ी किसी भी मस्जिद का कोई फोटो देखा जहां पर किसी दो चार लोगों को भी आइसोलेट किया गया हो या उनकी तरफ से इस तरीके की कोई मुहिम चलाई गई हो? अभी फिलहाल 50 बेड है और जरूरत पड़ने पर और 50 बेड लगा सकते हैं, इतना स्पेस है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है? ऑक्सीजन है और बायपैक है हमारे पास, अभी ये दो चीज़ें हमारे पास है। और अगर कुछ सेट हुआ, कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ वेंटिलेटर भी आ जाए। और वैसे देखो, ये मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है और हम सब जो भी है, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई अल्लाह का बंदा है। और ये भी एक मस्जिद में इबादत होती है और लोगों की सेवा करना भी एक इबादत है। ये हमारा मज़हब भी यही सिखाता है। जो फ़ोटो दिखा के शेयर कर रहे हैं लोग कि यह है मंदिर, मुंबई का है, लेकिन ये मुंबई का नहीं, वडोदरा का है। स्वामीनारायण टेम्पल ये वडोदरा का है, जो कि ये बूम न्यूज़ ने इसको कवर किया है।